नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या करना है। एक लाइक कर देना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। आपको करना है फोकस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। तो सबसे पहला कार्ड देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को या तो खुद ये इंसान झूठ बोलता है आपके साथ, इस वजह से इस इंसान को लगता है कि उन्होंने अब आपके साथ सच बोलना चाहिए, और कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान के साथ झूठ बोला है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है और उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने सच्चाई बोलनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है, अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ गलत फहमियाँ हैं आपके लिए। इस इंसान को लगता है ऐसा कि आप बातें छुपा रहे हो, और आपके पार्टनर को लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, आपने सच बोलना चाहिए इस रिश्ते को लेकर जो भी आपके दिल में है, इस इंसान को लेकर जो भी आपके दिल में है आपने बोलना चाहिए, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। देखो गाइस, अगर बात आती है इस रिश्ते की तो आपके पार्टनर सैक्रिफाइस तो नहीं करना चाहते, चाहे जो भी हो जाए आपके पार्टनर चाहते बदलाव इस रिश्ते में, जो चेंजेस आने चाहिए। इस इंसान को लगता है जिस तरह से चेंज आना चाहिए था, जिस तरह से बातें बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदल रही है। नंबर 12, नंबर 14 ये आपके लिए खास हो सकते हैं, बर्थडे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं, बदलाव भी लेकर आना चाहते हैं। ओके, देखो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है कि आप जैसे उनके लिए बने ही नहीं हो। देखो एक तरफ तो वो इंसान सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता अपने प्यार को, वो इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, और दूसरी ही तरफ ऐसी कुछ बातें हैं कि इस इंसान को लगता है कि आप कुछ और डिजर्व करते हो, आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, कि इस इंसान को डर भी लगने लगता है कि आप जैसे उनके लिए बने ही नहीं हो। देखो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, और आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको इस इंसान ने रिजेक्शन दिया है, तो अपने आप को लकी समझो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद भी ये मानते हैं इस बात को कि आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। देखो गाइज, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं हुआ, वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान के मन में, ईश्वर के मन में क्या होता है हमें नहीं पता। ईश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं हम नहीं जानते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वही बात ईश्वर की मर्जी से अगर हो रही है तो ये डेफिनेटली, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो आपने आपको लकी समझो कि आप इस इंसान से भी अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, और आपके पार्टनर भी खुद ये बात मानते हैं। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं वो आपको अपने पास, मतलब इस कदर इमेजिन करते कि जैसे कि आप उनके साथ हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, बहुत इमोशंस जाग रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। एक तरफ इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल भी पारदर्शक नहीं थी, आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे या आप उस इंसान से अगर छुपा रहे थे। दूसरी ही तरफ मुझे इस रिश्ते में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, या तो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे या ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, कुछ तो ऐसी बातें हैं। देखते हैं टैरो से क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। नंबर 20, नंबर 6 और नंबर 12, नंबर 14 ये नंबर खास हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्ट, डेस्टिनी, किसी की बर्थडे हो सकती है। देखो यहाँ पर हमें इतने कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि मे बी इनका परिवार या आपका परिवार, ठीक है, या तो आपके परिवार में लव मैरिज वगैरह चलती नहीं है, या आपके पार्टनर के परिवार में नहीं चलती है, और आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है अपने परिवार की बातें मानते हैं। देखो इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसको रिजेक्शन मिलता है तो वो ये दुख सह नहीं पाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर के मन में बार बार ये भी ख्याल आता है कि अगर वो खुद को आपके काबिल नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर वो आपके सामने आएंगे, अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपसे रिजेक्शन मिल सकता है। द चैरियट, एक तरफ इस इंसान का दिल क्या कहता है, अभी के अभी फास्ट एक्शन लेना है। मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों में अटक चुके हैं, ना ये इंसान आपको भूल पाता है,
ना ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ पाता है। अपने दिल की बात करना चाहता है, अपने दिल की बात मनवाना चाहता है आपसे, लेकिन इस इंसान को लगता है कि रिजेक्शन मिल सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये पर्सन पहले अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। द चैरिट की एनर्जी बार बार यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन फास्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं, मतलब इधर जाए कि उधर जाए, ऐसी कुछ द्विधा परिस्थिति आपके पार्टनर की हो चुकी है। दोनों जो इस इंसान के मन में ख्याल आ रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखो एस ऑफ सोर्स, वापस वही एनर्जी, यहाँ पर पहले भी कार्ड आया था ट्रुथ बी टोल्ड, और वापस यहाँ पर एनर्जी आई है एस ऑफ सोर्स की। आपके पार्टनर, अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला है तो वो सच बोलना चाहते हैं। अगर इस इंसान को लगता है कि आप झूठ बोल रहे थे, आप बातों को छुपा रहे थे, तो आपके पार्टनर अभी चाहते कि आप सच बोले और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि सैड, ठीक है, सैड दिखाई दे रहे हैं, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है इस इंसान को, बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है आपके बिना। ये आपके जो पार्टनर है वो आपका साथ चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन वापस वही कि इसके दिमाग में दो दो थॉट्स कंटिन्यूली चल रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि किसी और की वजह से भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुए थे, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से अगर अलग हो गए हो, अगर फैमिली की वजह से अलग हो गए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके पार्टनर जीत चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। और बॉटम में देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान के दिमाग में, दिल में सिर्फ आप ही आप बसे हो। आपके जो पार्टनर है वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है उस प्यार में, ठीक है। एक माँ जब अपने बच्चे के बारे में सोचते है, उसका कोई स्वार्थ तो होता नहीं है, वो सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। सेम आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप उनसे जो प्यार करते हो उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस इंसान के दिलो दिमाग में आप छाए हो, अट्रैक्शन भी है, देख रहे हैं आपको दूर से, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हो आप उन्हें, और आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील होता है, इसलिए वो बार बार आपको इमेजिन करते हैं कि जैसे आप उनके साथ हो, क्योंकि वो इंसान खुद बोर हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो। और देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका क्या हाल है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। दी सन, आप तो एक ब्राइट फ्यूचर चाहते ही हो, अब आप खुद परेशान हो गए हो इस इंसान से दूर रह के। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से हैप्पीनेस इस इंसान के साथ फील करते हो ना, आपको लगता है कि दुनिया में कहीं भी और अगर आप गए तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आपका हैप्पीनेस इस इंसान से ही जुड़ा है। मे बी यहाँ पर कोडिपेंडेंसी हो सकती है कि आप इस इंसान के बिना खुश नहीं रह सकते। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, अगर ये इंसान वापस नहीं आएगा तो आप कभी हैप्पी नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका जो फ्यूचर है आपको इस इंसान के साथ ब्राइट नज़र आता है। दी सन की एनर्जी यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन तो जिस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, कहीं ना कहीं आपकी भी यही उम्मीद है, यही आप चाहते हो। मे भी कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे के सपने देख रहे हो कि आप दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, जो कुछ भी ऐसे जो ख्याल है आप सोच रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को जब भी याद करते हो आपके चेहरे पर एक स्माइल भी आती है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आई है। यही तो चाहते हो आपके इंसान आपसे बात करें, दिल की बात करें, इमोशंस आपके सामने जाहिर करें, ये इंसान आपके लिए क्या फील करता है, आप मतलब आपसे अब बेसब्र हो रहे हो, आपकी आपसे इंतज़ार भी नहीं होता कि कब आएगा और कब बात करेगा, ठीक है, इमोशंस कह रहे हैं आपके दिल में। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी राशि हो सकती है आप में से किसी की, और यहाँ पर हाइपरस्टेस है। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि देखो आपके पार्टनर के लिए भी यही एनर्जी आई थी, उस इंसान को भी लगता है कि आप बहुत कुछ बातें छुपाने लगे हो, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ बातें छुपाते हैं। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त काम कर रहा हो आजकल, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मे बी आप इतने ज़्यादा इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा चुके हो, इस इंसान को आप एक 3D लेवल से ऊपर महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो।
मे बी कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, कुछ ट्री ऑफ जर्नी में हो सकते, कुछ ऐसा बहुत स्पिरिचुअली कनेक्शन आप फील कर रहे हो। और बॉटम में क्या हालत है आपकी, और बॉटम में है 8 of Swords, आप खुद को अटका हुआ सा फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपको लगता है कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप खुद को भी स्टक फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जो इस रिश्ते के दुख आपने देखा है, या इस इंसान का आना जाना रहा है इस रिश्ते में, मे भी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका पार्टनर आता है वापस चला जाता है, फिर आता है वापस चला जाता है, मे भी एक दूसरे से बातें छुपाने के लिए हो सकता है कि बहुत कुछ इस रिश्ते में ऐसा कुछ घटित हुआ था पास्ट में कि आप अब उस बात को याद कर करके खुद को स्टक फील कर रहे हो। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ होगा कि नहीं। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके आँखों पर जैसी पट्टी बंधी है गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि कुछ अच्छा ही आपके पार्टनर के अंदर है जो आप देख नहीं पा रहे हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आप में बहुत अच्छा या है लेकिन आपका पार्टनर वो अच्छाई को देख नहीं पा रहा है। इस बात से आप बड़े दुखी हो, बड़े चिंतित हो, आपको लगता है कि आपने इस इंसान को इतना सच्चा प्यार किया, आपने इस इंसान के लिए सब कुछ नौछार कर दिया, जो आप कर सकते थे आपने हर वो चीज़ की, लेकिन फिर भी उस इंसान की नज़र में आपका प्यार क्यों नहीं नज़र आता, उसको उस इंसान को आपकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं नज़र आती, ये दुख आपके मन में हो सकता है। और स्टक तो फील आप कर ही रहे हो। लिब्रा एक्वेरस जेमिनी की राशि है यहाँ पर, ये राशि हो सकती है आपकी। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपको लगता है कि इस इंसान ने सिर्फ अट्रैक्शन जो फील करता था आपके लिए, इस वजह से आपसे रिश्ता बनाया हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, आप इस इंसान की तरफ खींचे चले जा रहे हो, आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है दूरियाँ, ऐसे भी हो सकता है। आप बहुत पैशनेट हो सकते हो, आप में एक जुनून है, गजब का जुनून है, हर चीज़ करने के लिए आप तत्पर रहते हो, आप रेडी रहते हो, आलस नहीं है आप में। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे कि आप में आलस बिल्कुल नहीं है, जो काम करना है आपको अभी के अभी करना है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी भी करते हो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थोड़ी जल्दबाजी कम अगर करोगे आप तो सही डिसीजन ले पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे तो आप सही तरह से आगे भी बढ़ पाओगे। एरिज लियो सजेस की राशि है यहाँ पर, ओके। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या एनर्जी आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, इस वक्त उनको क्या बताना ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और इस दर्द से अभी तक आप उभरे नहीं हो, इस दर्द में अभी तक आप बहुत ज़्यादा आपको दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, आपके घर में कोई हेल्थ इशू हो सकता है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो आपके घर में जिसकी सेहत की आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो फाइनेंशियल बहुत लॉस फील कर रहे हो, इमोशनल बहुत लॉस फील कर रहे हो, बहुत अड़चनों का सामना आपको करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपने पास्ट में भी किया है, और आजकल भी आप उस दर्द से उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप खुद की तरफ ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को हील कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप उस दर्द से उस पीड़ा से अपने आप को बाहर कर दोगे, ओके। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जिस तरह से आपका दिल तोड़ा गया है, अगर इस इंसान ने झूठ बोलकर हो या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, तो ये दर्द बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, और इसके ऊपर एक ही उपाय है कि आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, ठीक है। देखो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगी, लेकिन होगी ज़रूर, कोई भी समय रुकता नहीं है, चाहे समय बुरा हो चाहे समय अच्छा हो, रुकता नहीं है। अच्छा समय जाएगा तो बुरा समय आएगा, आज बुरा समय है तो ये भी जाएगा और अच्छा समय आएगा, समय रुकता नहीं है, ठीक है। और ये चक्र घूमता ही रहेगा। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर आपके साथ कुछ बुरा ही होगा, नहीं, ये बुरा समय जाएगा और अच्छा समय आएगा, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे चीज़ें होंगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें अभी के अभी ठीक होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जब तक आप पेशेंस नहीं रखते हो, जब तक आप खुद को हील नहीं करते हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है, ऐसा कोई घटित होगा जिस बात पर आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा कोई चमत्कार होगा। देखो ईश्वर
क्या लीला करेंगे हम नहीं जानते, ठीक है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम अपने आप के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपने बहुत दर्द देखा है अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ प्यार के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, आपके ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत दुख दर्द का सामना किया है और आज घड़ी है अपने आप के ऊपर विश्वास करने की, इस दुख से इस दर्द से बाहर निकलने की, और आपके लाइफ में चमत्कार होगा। आप खुद ये जानकर हैरान हो जाओगे, 2 साल बाद 3 साल बाद जो भी आपके जीवन में होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे थी और ईश्वर ने आपको कहाँ से कहाँ लेकर रख दिया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि एक जैसे कि रीबर्थ ही होने वाला है, आपका पुनर्जन्म होगा, आपको मतलब सब कुछ ऐसा अनजान सा फील होगा, सब कुछ नया नया सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप पहले थे वो आज आप नहीं हो, आप अंदर से बाहर से पूरे बदलने वाले हो। बस डिवाइन के ऊपर आपको विश्वास करना है, अगर आप विश्वास करोगे तो चीज़ें जल्दी घटित होगी, ठीक है। ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।